नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर मतदान जारी है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर मतदान हो रहा है और तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर चुनाव हो रहा है और चुनाव के लिए तमाम लोग जो है पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के तमाम विधायक मौके पर पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं और चुनाव को लेकर जो है पूरा इंतजाम जो है वो पुख्ता किया गया है। देहरादून में ये मतदान किया जा रहा है, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मतदान हो रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं मतदान को पूरा करने को लेकर। और बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर चुनाव किया जा रहा है। देखिए, लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस से कई सारी बातें सामने आती रही हैं और अभी तक लेकिन ये फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिर कौन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। इसी को लेकर लगातार चुनाव जो है देहरादून में हो रहा है और यहाँ पर मुख्यालय पर चुनाव किया जा रहा है, मतदान किया जा रहा है, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और जो भी यहाँ पर विधायक और सांसद पहुँच रहे हैं वो अपने अपने मत के हिसाब से मतदान कर रहे हैं, अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से मतदान कर रहे हैं और वोट लगातार पड़ रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव जारी है। प्रदेश कार्यालय में ये चुनाव किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चुनाव जारी है और चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव किया जा रहा है, मतदान किया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय पर यह मतदान शुरू हो चुका है। लगातार देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर यह संशय बना हुआ है कि आखिर कौन इस पद पर काबिज होगा, कौन इस पद को ग्रहण करेगा। और कांग्रेस पर यह कई बार आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस परिवारवाद से बाहर नहीं आ पाता है, परिवार के लोग ही इस पद पर विराजमान होते हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये मतदान किया जा रहा है। संभवतः सौरभ भाटिया हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ये चुनाव हो रहा है और कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए? देखिए, उत्तराखंड में भी चुनाव मतदान हो रहा है। बकायदा प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जो है राजधानी देहरादून में मौजूद हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पे कर रहे थे। जिसके अलावा जो है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य यहाँ पे मौजूद रहे, जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। करण महाराज सीधे तौर पे कहा कि 222 जो पूर्व में डेलीगेट थे उसमें एक डेलीगेट और बढ़ाया गया था, जिसमें यशपाल आर्य का नाम शामिल किया था। उत्तराखंड से जो है 223 डेलीगेट्स हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिथौरागढ़ धारचूला से लेकर और बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री तक के जो है जो डेलीगेट्स हैं वो राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। हरीश रावत और काजी निजामुद्दीन जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उत्तराखंड में, उनके द्वारा जो है दिल्ली में अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि 10 डेलीगेट्स ऐसे हैं जिनके द्वारा जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें वहीं पे अपने चुनाव मतदान का जो है मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर पहले ही कांग्रेस तैयार थी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो चुनाव, क्योंकि जो 22 साल बाद ये चुनाव हो रहा है उसको लेकर जो गदगद दिखाई दे रहे हैं और उनमें उत्साह भी है कि गांधी परिवार से बाहर जो है इस समय ये चुनाव हो रहा है। इसमें जो तमाम जो वो नेता होंगे जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे जो ऊपर तक पहुंचे और उनको उनके लिए जो है मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल सौरभ, और ये बात महत्वपूर्ण भी है चुनाव, क्योंकि देखिए लगातार हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कांग्रेस की जो स्थिति, उनके खुद के ही नेता और बड़े बड़े पदों पर रहे नेता लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़कर गए। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जो लोग बचे हुए हैं उनको संभाल कर रखे, जोड़ कर रखे, सबकी सहमति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाए।
बिल्कुल देखिए, परिवारवाद का आरोप जो हमेशा से कांग्रेस पर लगते रहे हैं, जिसके बाद जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने, यानी कि खुद गांधी परिवार ने इस बात को महसूस भी किया ये कहा जा सकता है, जिसके बाद ही जो है गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जा रहा है, जिससे जो चुनाव में कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा सके, जो तमाम जो बड़े नेता है वो एकजुट हो सके, जिससे भविष्य में कांग्रेस, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है, लिहाजा उसी की तैयारियों से जोड़कर इस चुनाव को भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो आरोप होते थे वो गांधी परिवार पर लगते थे कि गांधी परिवार ने अपनी बहुत ही कांग्रेस को बना लिया है, लिहाजा अब जो तमाम नेताओं को जोड़कर रखना, बचा के रखना कांग्रेस की जिम्मेवारी थी, जिसके चलते जो ये चुनाव हो भी रहा है, इस बात को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अब एकजुट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, और सबसे बड़ी बात देखिए, कांग्रेस के कंपटीशन में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर जो सामने आई है वो बीजेपी है, और ऐसे में बीजेपी से मुकाबला करना कांग्रेस के लिए इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो रहा है। और रही अगर बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो अब 2024 के चुनाव को लेकर जैसे कि आप अभी जिक्र कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस अभी से ही प्रयास कर दे, क्योंकि बीजेपी उनके सामने खड़ी है और बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी रहेगी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि दो बार लगातार जो है केंद्र में भाजपा की सरकार रही, बकायदा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा, जिसके चलते जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता असहज भी दिखाई दिए, अब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो है पार्टी को एकजुट करने की तैयारी हो रही है, गांधी परिवार से जो है कांग्रेस बाहर निकल रही है, लिहाजा जो है तमाम वो नेता इस समय जो है पार्टी का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे जो गांधी परिवार से इतने बाहर है। इसके अलावा जो राज्य के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम राज्यों में जो कार्यकर्ताओं की जो एक टोटा बना हुआ था उसको जो जोड़ने अब खासा महत्वपूर्ण होगा, ये बड़ी चुनौती है, जो भाजपा में तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के छटक के गए हैं उनको वापस लाना, इसके साथ ही जो कांग्रेस के कुंबे को मजबूत करना ये जिम्मेवारी होगी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की, क्योंकि 2024 का चुनाव खासा महत्वपूर्ण है, उसी को लेकर जो ये तमाम तैयारियां की दी जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस नई जिम्मेदारियों को समझे और अब जो महत्वपूर्ण पार्टी को बचाने के लिए निर्णय है वो ले, परिवारवाद से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। चले, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, नेताजी की अस्थियां नमामि गंगे घाट पर होंगी विसर्जित, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर कार्यक्रम में बदलाव किया गया और पहले वीवीआईपी घाट पर होना था अस्थियों का विसर्जन, कल 12 बजे हरिद्वार पहुंचेंगी मुलायम सिंह यादव की अस्थियां। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव परिवार के तमाम लोगों के साथ पहुंचेंगे और सपा नगर अध्यक्ष ने जारी की है संशोधित विज्ञप्ति, इसको लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार हमने आपको बताया किस तरीके से मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया गया और अब उनकी जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित किया जाएगा, उनके जो परिजन हैं अखिलेश यादव के साथ पहुंचेंगे और अस्थियों को विसर्जित करेंगे। हालांकि नेताजी का लोगों के बीच जो कह सकते हैं कि छवि जो उनकी लोगों के बीच है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग उनके नाम से ही उनके नाम के बारे में जानकारी सुनते ही खींचे चले आते हैं। और यहाँ पर अस्थि विसर्जन की जानकारी जब लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में कार्यक्रम में जो बदलाव करने को मिला है वो उसका रीजन यही रहा कि बड़ी संख्या में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचने लग गए और ऐसे में कार्यक्रम में बदलाव किया गया। सपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए कार्यक्रम बदला गया है और पहले जो है वीआईपी घाट पर अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थियां उनकी थी उनका विसर्जन होना था, लेकिन अब इसका बदलाव जो है इस पूरे कार्यक्रम में किया गया है और अब अस्थियों को नमामि गंगे घाट पर विसर्जित किया जाएगा, ये अपडेटेड जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का प्यार उनके लिए देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक नज़र आ रहे हैं, उनका जो प्यार है उनके प्रति जो सम्मान है जो भावना है वो हर किसी कार्यकर्ता में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अभी मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करना है, पहले ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं कि वीआईपी घाट पर रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से सपा के तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर उमड़ी और जैसे लगातार बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना शुरू हुआ उसको देखते हुए अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और अपडेटेड जानकारी आपको बता रहे हैं कि नमामि गंगे घाट पर अब मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा, ये कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। विकास, देखिए, मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा, पहले कार्यक्रम कहीं और का था लेकिन अब बदलाव किया गया है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, कौन कौन पहुंचेगा अखिलेश यादव के साथ साथ? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले प्रोग्राम जो मुलायम सिंह की जो अस्थियां प्रवाहित होनी थी वो पहले हल्की पैड़ी और उसके बाद जो व्यवस्था बनी वो वीआईपी घाट की बनी, लेकिन जो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ इन दिनों
गंगा बंदी के कारण जल भी वहाँ पर कम है, उन सब चीजों को देखते हुए अब नमामि गंगे घाट पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ जो मुलायम सिंह के जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक है, उनके आने की संभावनाओं को देखते, भारी संख्या में यहाँ पर आने की संभावनाओं को देखते हुए भी यहाँ पर जो व्यवस्था अब नमामि गंगे घाट पर उनकी अस्थियों का विसर्जन करने की गई है। यहाँ पर जिस तरह की चौपन व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिले अधिकारी खुद यहाँ पर हैं और SSP मौजूद भी हैं, और अब कह सकते हैं थोड़ी देर में ही यहाँ मुलायम सिंह की अस्थियाँ हरिद्वार यहाँ पर पहुंचेंगी। जब यहाँ इसी घाट पर जहाँ इस समय हम मौजूद हैं, वहाँ पर जो उनके पुत्र हैं अखिलेश और उनके साथ उनके जो मुलायम सिंह के भाई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो उनकी अस्थियों को यहाँ पर गंगा में यहाँ पर विसर्जित करेंगे। मौके पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अभी क्या वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो अगर हम बात करें संख्या में लोग यहां पर यूपी से हरिद्वार जुड़ा हुआ शहर है, ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले से यहां पर काफी बड़ी संख्या में जो नेता हैं, जो सपा के समर्थक हैं, उनके यहां पर समझ यहां पर पहुंचने की पूरी पूरी संभावना यहां पर है। इसी सभी चीजों को देखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को यहाँ पर जांच के बाद ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है, और बाकायदा एक परिमेटर यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो भीड़ है उसको यहाँ पर नियंत्रित किया जा सके। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की हैं वो जिला अधिकारी और SSP रैंक के जो अधिकारी हैं खुद यहाँ पर कर रहे हैं, और वहीं सपा के जो नेता हैं, हरिद्वार के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर सभी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। और जिस तरह से व्यवस्थाएं अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग और समर्थक यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। सुबह तड़के से क्योंकि साढ़े ग्यारह पहुंचने का उनका यहाँ पर समय है और वो अब किसी भी समय यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर लोगों की संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि लंबा कार्यक्रम चलना है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले उनके पहुंचने के बाद यहाँ श्रद्धांजलि सभा होगी और उसके बाद यहाँ पर उनका अस्थि विसर्जन यहाँ पर किया जाएगा, और जिसके बाद वो 4 बजे उनके जो पुत्र हैं वो यहाँ से जोली ग्रांड के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, तो ये पूरा कार्यक्रम आप जैसे की बता रहे हैं, लेकिन आप मौके पर मौजूद है, अगर पॉसिबल हो सके तो तस्वीरें हमें दिखाइए हमारे दर्शकों को, किस तरीके से वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और कौन सी जगह होगी जहाँ पर अस्थि विसर्जन किया जाएगा। जी मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल कि आपको दिखा सकें कि जिस तरह से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, घाट जो तैयार किया गया है, जो यहाँ पर पंडित वो यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जहाँ पर अस्थि विसर्जन यहाँ पर किया जाना है वहाँ पर ब्राह्मण बिल्कुल यहाँ पर तैयार रहते हैं, और किसी भी वक्त जिस तरह से अस्थियां यहाँ पर पहुंचेंगी और इसी घाट पर वो अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल, और पूरी यहाँ पर व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है सुरक्षा के मद्देनजर, जैसे कि आप बता रहे हैं, और पिछले दिनों भी हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से बड़ा हुजूम मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा, और अब अस्थि विसर्जन करने के लिए जब पहले जानकारी दी गई थी कि उनके अस्थि विसर्जन को VIP घाट पर किया जाएगा, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे, जिसके बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया, और अगर यहाँ की बात करें तो क्या यहाँ पर भी उतनी ही संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अपेक्षा की जा रही थी कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था जो बिजनौर है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर बिल्कुल हरिद्वार से लगते हुए हैं, और जो यूपी का जो मुलायम और अखिलेश का जो घर माना जाता है वो यहाँ पर बिल्कुल नजदीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ के समर्थक उनके यहाँ पर पहुंचने की संभावना बिल्कुल थी, और धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं, और बड़ी संख्या में अगर हम दिखा पाए तो आपको जो घाट है वो जिस यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं उससे थोड़ा ऊपर है, वहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टि से पहले सुरक्षा रहेगी, उसके पीछे जो जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर हैं, और एक और उसके पीछे जो इस पूरे घाट की बैरिकेडिंग है उसके पीछे भी वो रहेंगे। जी बिल्कुल, और अब से कितनी देर में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम शुरू होगा और अखिलेश यादव कितने देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? देखिए जिस तरह से जो उनका प्रोटोकॉल आया था वो 11:30 बजे तक उनको एयरपोर्ट तक पहुँचना था, और उसके बाद लगभग 45 मिनट के बाद
सड़क मार्ग के द्वारा वो यहाँ पर पहुंचेंगे और लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पर उनका जो 12 बजे के आसपास यहाँ पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम इसी घाट पर होगा। और जो ब्राह्मण है वो यही ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हैं वही उनके द्वारा पूरा कार्यक्रम यहाँ पर विधि विधान से यहाँ पर करवाया जाएगा। बिल्कुल विकास, आप क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं तो आप कोशिश करिए कि वॉक करते हुए वहाँ पर जाइए, पंडित वहाँ पर मौजूद होंगे क्योंकि विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाएगी, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरा अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रहता है, तो उनसे बात करने की कोशिश करिए किस तरीके से पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। जी मैं कोशिश बिल्कुल करता हूँ कि अगर बातचीत हमारी हो पाए तो। मेरे साथ पंडित जी हैं, वो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं उनके द्वारा यहाँ पर की गई हैं, क्या व्यवस्था यहाँ पर है। मेरे साथ एक जो मुख्य पूजा है आप ही बता दीजिए, किस तरह की व्यवस्थाएं आपके द्वारा यहाँ पर की गई हैं। हमारे द्वारा यहाँ पूजा पाठ की सारी व्यवस्था संपूर्ण करती जा चुकी है। आपको क्या क्या बताया गया है, कौन कौन उनके साथ रहे, किस तरह की पूरी चलिए विकास, बिल्कुल इंतजाम जो आप दिखा रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बेहतर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में हैं और ऐसे में अस्थि विसर्जन का आज कार्यक्रम है, यानी कि कह सकते हैं कि अंतिम ये कार्यक्रम उनका है जो कि उनसे जुड़ा हुआ है और आज अस्थि विसर्जन होगा, तो ऐसे में भावुक जो तमाम कार्यकर्ता हो रहे हैं उनकी जो भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं उनका यहाँ पर पहुंचना जाहिर सी बात है कि होगा ही। जी बिल्कुल, लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह से ब्राह्मण ने बताया है कि उनके परिवार के जो 15 सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जिस तरह से बिल्कुल, तो देखिए लगातार जिस तरीके से अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है और नमामि गंगे घाट पर तैयारियां हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे थे किस तरीके से खास तैयारियां यहां पर की गई हैं और नेताजी का आज अस्थि विसर्जन किया जाएगा और अब से कुछ ही देर में समय रखा गया था कि अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे। और विकास, जैसे कि आप बता रहे थे कि अखिलेश यादव का 11:30 बजे आने का कार्यक्रम है और 11:30 बज चुके हैं और ज्यादा ही बल्कि समय हो गया है, तो क्या डिले कार्यक्रम में हो गया है? नहीं, डिले जिस तरह से वार्ता की जिस तरह से प्रोटोकॉल था वो 11:30 बजे जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने का अच्छा था और उसके बाद यहाँ पर पहुंचने का है, लगभग यहाँ वहाँ जो एयरपोर्ट है उससे हरिद्वार पहुंचने की जो दूरी है वो लगभग 1 घंटा मानी जाएगी और अगर हम बात करें तो 12:15 बजे 12:30 बजे या उसके आसपास ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और तैयारियां भी खास तौर पर देखने को उसको लेकर मिल रही हैं, सुरक्षा के मद्देनजर आप बता ही रहे हैं कि खास इंतजाम किए गए हैं और आज वो दिन है जो कि मुलायम सिंह यादव के लिए कह सकते हैं कि आखिरी दिन उनके उनसे समर्पित कार्यक्रम को रहेगा, अस्थि विसर्जन आज किए जाएंगे और ऐसे में मुलायम सिंह यादव का हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से बड़ा हुजूम उमड़ा था और यही रीजन रहा कि आज कार्यक्रम में चेंज किए गए हैं और उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति भी जारी की गई ताकि जानकारी दी जा सके। तो जब कार्यक्रम का, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 11:30 बजे अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम शुरू होना था, तो कितनी देर पहले ये प्रेस रिलीज जारी की गई है नई अपडेट की? ये देर रात जो ब्रीफिंगों का दौर चला, क्योंकि जिस तरह से हर की तौरी पर जल की जो व्यवस्था है वो इन दिनों गंगा बंदी के कारण थोड़ी कम है और VIP घाट की भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है और जो भीड़ है और जो सुरक्षा की दृष्टि से हर की पैड़ी और जो VIP घाट है दोनों ही थोड़ी सी इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि भीड़ अगर वहाँ पर पहुँचती है जो उनके समर्थक हैं वो अगर वहाँ पहुँचते हैं तो अव्यवस्थाएं होने की वहाँ संभावना रहती है, तो इसलिए यहाँ पर एक तो पार्किंग की व्यवस्था, यहाँ पर जो नमामि गंगे घाट है वो यहाँ जो नया बना है उसकी व्यवस्थाएं यहाँ पर काफी व्यवस्थित हैं और उनको यहाँ पर सुचारू करना बड़ा आसान था, इसलिए देर रात थोड़ी जो मीटिंगों के दौर के बाद इस तरह की व्यवस्था की गई कि वो यहाँ पर जो गंगी घाट का जो यहाँ घाट है नमामि गंगे घाट यहाँ पर जो 80% कार्यक्रम है वो यहाँ पर कराया जाए। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।
आज तीन मठों के शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली पहुंचेंगे और जिसे लेकर सभी भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं जोशी मठ में महासम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें आपको कि चमोली ज्योतिष पीठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अभी केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। केदारनाथ दर्शन करने के बाद तीन शंकराचार्य जोशी मठ पहुंचेंगे। जोशी मठ पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा तीनों शंकराचार्य का स्वागत किया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब जोशीमठ के तीन पीठों के शंकराचार्य एक साथ मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में ये क्षण ये पल बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब जोशीमठ में तीन पीठों के शंकराचार्य एक साथ मौजूद रहेंगे और खास व्यवस्थाएं इसको लेकर की गई हैं। और आपको बता दें कि जोशीमठ पहुंचेंगे तीन मठों के शंकराचार्य आज सभी पहुंचेंगे तपस्थली और जिसको लेकर भक्तों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं जोशीमठ में महासम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अंतिम चरण तैयारियों को दिया जा रहा है, आज का समय रखा गया है, ऐसे में तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि चमोली ज्योतिष पीठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अभी केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं और केदारनाथ दर्शन करने के बाद तीन शंकराचार्य जोशीमठ पहुंचेंगे, तो ऐसे में ये पल बहुत महत्वपूर्ण होगा। जोशीमठ पहुंचने के बाद स्थानीय लोग उनका स्वागत करेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।